भानुप्रतापपुर प्रताप उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सहित दर्जनों वरिष्ठ भाजपा नेता पहुंचे और नामांकन दाखिल करने के बाद चुनावी आम सभा को संबोधित किया। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कांकेर के जिला निर्वाचन कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। नामांकन दाखिल के पश्चात कांकेर के चारामा में एक बड़ी चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस सरकार की जमकर खिंचाई की और कहा कि प्रदेश को कांग्रेस सरकार ने कर्ज से लाद दिया है। ये भानु प्रतापपुर के भाई बहनी मन बड़ा सौभाग्यशाली हो जेल में ये अवसर मिले। आपके अपमान के बदला, आपके उपेक्षा के बदला, ये उपेक्षा के बदला लेके आपके बीच में ये अवसर आए। चार साल तक भानु प्रतापपुर विधानसभा के उपेक्षा ये भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी करे है। चार साल तक राजनीति में संबंध अलग चीज होते, लेकिन मनोज मंडावी जी से भूपेश बघेल जी मनोज मंडावी जी ला पसंद नहीं करल, और पसंद नहीं करल कैसे एक कर पाए के भानु प्रतापपुर विधानसभा के उपेक्षा करके भानु प्रतापपुर में एक रुपया के काम नहीं हुआ दे। आज ये हालात, तो ये भानु प्रतापपुर के जनता के साथ अन्याय अत्याचार करने के काम आज जो भूपेश बघेल करे। वहीं चुनावी आमसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने चुटकियां लेते हुए प्रदेश सरकार के कार्यों और प्रदेश सरकार की नीतियों को गलत बताते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शराब, रेत और कोयले की काली कमाई कर जेब भर रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी जो आपके सामने खड़ा है, ऐसे योग्य, ऐसे आपके बीच जो चुनाव के मैदान में 2008 में विधायक था ब्रह्मानंद जी के समर्थन में, हम सब पूरे मंच में जितने लोग बैठे हैं पूरे लोग उसके समर्थन में आए हैं, इनको आप सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद देके प्रचंड बहुमत के साथ विजय बनाए, यही आग्रह करने में आया हूँ। यहाँ सिर्फ दो ही चीज चलता है, एक सीडी और एक ईडी। सीडी क्या है बताएं? सीडी में भूपेश बघेल ने ऐसे सीडी को जनता को दिखाया था, सुनील सीडी, जिसके मामले में सीबीआई में मामला दर्ज हुआ, भूपेश बघेल को जेल जाना पड़ा। आज भूपेश बघेल जमानत पे घूम रहा है, बड़ी बड़ी बातें करता है। ये है सीडी। और ईडी क्या है? जब पैसा बहुत बलबलाने लगा चारों तरफ, इनके अधिकारियों के पास 10-10 50-50 100-100 करोड़ दिल्ली से आके आईजी ने जांच किया, सीडी ने इसके ईडी के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई की, आज इनके 5-7 अधिकारी जेल में है या बेल में है, और पूरे छत्तीसगढ़ को बदनाम कर दिया है। ये ईडी और सीडी का पूरा खेल खेलने वाले अकेले कोयले में, आश्चर्य करोगे मैं जब आंकड़ा बताऊंगा, 25 रुपया टन, एक भी टन कोयला निकलता है तो 25 रुपया की वसूली होती है। 4 साल में 4,400 करोड़ रुपया अकेले कोयले में भूपेश बघेल ने अवैध कमाई कमाया है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में लगातार अब आरोप प्रत्यारोप का दौर आरंभ हो चुका है और सभी अपने अपने जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इस उपचुनाव में विजय श्री किस पार्टी के खाते में जाती है।